हेलो दोस्तों, टेक्निक यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है। आज की वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपका एक एरर का सॉल्यूशन करूंगा। हम जब भी हमारे कंप्यूटर या लैपटॉप में कोई भी ब्लूटूथ डिवाइस कनेक्ट करते हैं तो हमारे सामने एक एरर आता है, ब्लूटूथ पेरिफेरल डिवाइस नो ड्राइवर फाउंड। तो आज हम इसी एरर को फिक्स करेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे ही हेल्पफुल और इंटरेस्टिंग वीडियोस लाता रहता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं अपने कंप्यूटर के डिवाइस मैनेजर में आपको दिखा देता हूँ, जो ब्लूटूथ पेरिफेरल डिवाइसेस के ड्राइवर है वो मेरे कंप्यूटर में इंस्टॉल नहीं है। तो आप देख सकते हैं इंस्टॉल नहीं है। तो जैसे ही मैं अपने कंप्यूटर या लैपटॉप में कोई भी ब्लूटूथ डिवाइस को अटैच करता हूँ तो मेरे सामने ये एरर आता है। तो आज हम इसी को फिक्स करेंगे। तो इसके लिए हम सबसे पहले गूगल क्रोम पे जाएंगे। गूगल क्रोम पे जाने के बाद आपको उसकी सर्चिंग बार में लिखना है ब्लूटूथ पेरिफेरल डिवाइसेस ड्राइवर फॉर विंडोज 7। ये लिखने के बाद आपके सामने बहुत सारी वेबसाइट आएगी। तो पहले नंबर की इंटेल की वेबसाइट है, उसको ओपन करना है। उसके बाद आपके सामने दो ऑप्शन आएंगे, 64-bit और 32-bit। दो फाइल आएगी, 64-bit और 32-bit। अपने कंप्यूटर के अनुसार उसे डाउनलोड करना है। आपको कैसे देखना होगा कि आपके कंप्यूटर 64-bit का है या 32-bit का, उसके लिए आपको स्टार्ट बटन पे जाना है और कंप्यूटर पर राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज़ में जाना है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं सिस्टम टाइप 64-bit है। यहाँ पे अगर 32-bit होता है तो 32-bit वाली फाइल डाउनलोड करनी है। मेरा 64-bit है तो मैं 64-bit वाली फाइल डाउनलोड करूँगा। तो मैं इसे डाउनलोड कर लेता हूँ। आई एक्सेप्ट। अगर फाइल डाउनलोड हो जाती है तो गुड, वरना आप इसे मैनुअली पर क्लिक करके भी डाउनलोड कर सकते हैं। फाइल डाउनलोड होने के बाद मैं इसे डेस्कटॉप पे रख लेता हूँ और इस पर डबल क्लिक करके रन करता हूँ। नेक्स्ट। ये सभी ड्राइवर इंस्टॉल हो रहे हैं। ये कंप्लीट होने के बाद अब आप कोई भी डिवाइस को अटैच करते हैं अपने कंप्यूटर या लैपटॉप में तो वो आसानी से ऐड हो जाएगा। मैं आपको दिखा देता हूँ। आप देख सकते हैं जो भी ब्लूटूथ पेरिफेरल डिवाइसेस थे वो सारे इंस्टॉल हो चुके हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी वीडियो? वीडियो अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू सो मच।